गया। उनको ये लगा कि भैया इनका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है, कोई लड़की, जबकि लड़का भगा के ले जाए, अतः चाहे आप पत्नी के रूप में, चाहे जो बहन के रूप में, भाभी के रूप में। दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर समझ लेना, आपको कभी भी अपने वाइफ के नाम पे, अपनी बहन के नाम पे कभी लोन नहीं लेना है, आप बिल्कुल नहीं लेना। अगर लिया है तो ये वीडियो देख लो, आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ पे एक भाई साहब ने यही गलती कर दी, उनके साथ क्या हुआ, उनकी वाइफ के साथ, ये वीडियो देख लो, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। दोस्तों आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना जो कि इन्होंने की है, वो भी अपने वाइफ के साथ। अगर आपने ये गलती की है तो कोई भी लोन ऐप आपको इतना प्रताड़ित करेगी जैसे इनको किया जा रहा है। 800 रुपए के 7000 मांगे जा रहे हैं जो कि इन्होंने मतलब बिल्कुल लिए ही नहीं है। इन्होंने अप्लाई किया था जब उसके अकाउंट में डाल दिया, और जबकि इन्होंने पे भी कर दिया, उसके बाद भी 800 रुपए के बदले 7000 मांगे जा रहे हैं, और जो प्रताड़ना हो रही है सो अलग, पूरा फ्री फंड में। न्यूड फोटो लगा के वायरल कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करके गाली गलौज धमकी वगैरह दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या गलती नहीं करनी है, ये इस तरह के जो केसेस हैं मेरे सामने बहुत आए हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। वो ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल बजाते रहो पोंगी को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एक सब्सक्राइबर है हमारे, उन्होंने क्या हमको कमेंट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सर मैंने मेरी वाइफ के नेम से पर मैंने भर दिया, उन्होंने 2900 भेजे थे, मैंने हैंड टू हैंड 2100 पे कर दिया, 800 बाकी थे, पर वो 7000 और मांग रहे हैं और गंदी फ़ोटो एडिटिंग करके भेज रहे हैं। मोनू राव करके इनका कमेंट है, उनसे मेरी बात भी हुई है अभी कुछ ही देर पहले, 45 सेकंड पहले का मेरे पास ये कमेंट पड़ा हुआ है वीडियो बनाने से पहले का। दोस्तों यहाँ पे इनके साथ प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँ, जो ये कह रहे हैं कमेंट में, आप अगर नहीं समझ पा रहे हो मैं बताऊँ, इन्होंने अपनी वाइफ के नेम से लोन लिया था, ठीक है। क्या हुआ कि इन्होंने लोन लिया और इन्हें लोन मिल भी गया, इन्होंने हैंड टू हैंड जो है तुरंत 2100 पे कर दी, जबकि इनके अकाउंट में 2900 आए थे, 2900 रुपये इनके अकाउंट में आए, 2100 तुरंत पे कर दिया, यानी 800 बजे। अब उस 800 के बदले 7000 मांग रहे हैं, आप कमेंट को अच्छे से रीड कर सकते हो, 800 के बदले 7000 मांगे जा रहे हैं। तो ये अब क्यों हो रहा है, इन्होंने क्यों पे किया, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, वो ये थी कि अपनी वाइफ के नाम पर लोन लिया। आपको कभी भी अगर लोन लेना है ऑनलाइन वो भी, तो भैया धोखे से भी अपनी पत्नी भला यानी वाइफ, अपनी माता जी यानी अपनी माँ, मदर, अपनी बहन यानी सिस्टर, ऐसे कभी लोन नहीं लेना है, जो खास करके लेडीज़ हो, आपको उनके नाम से कभी लोन नहीं लेना है, क्योंकि ये लोग खास करके लेडीज़ों को टारगेट करते हैं बहुत, और इतना बुरा गंदा भरा भुला बोलते हैं कि आप तो लड़के तो बर्दाश्त कर लोगे एक बार के लिए, लेकिन जो गर्ल्स होती, लड़की होती, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत से लोगों के से रिश्ते टूटे हैं, समाज में बेइज्जती जाती है, बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब 7000 वो क्यों दे दें भाई, ये बात बताओ, जब उन्होंने लिए ही नहीं है 7000 क्यों दे दें। अच्छा चलो वो पे कर भी दे, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि वो उसके बाद ही परेशान ना करें, क्योंकि उनको उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, जो रिकवरी एजेंट है उनको आदत पड़ गई है, अरे भैया हमको तो पैसा मिलेगा, हम तो दबा के इनको ब्लैकमेल करेंगे और डर के मारे ये खुद ही पैसा देंगे। तो यहाँ पे आपको ये गलती नहीं करनी है, कभी भी अपने वाइफ के नाम पे लोन नहीं लेना है, चाहे आप कितना बड़ा लोन लें, ठीक है ना, अगर लेना है तो बैंक, जो बैंक वगैरह है वहाँ से ही लें, और जब आपकी स्थिति खूब मजबूत हो तो ही लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लोन ले लें, क्योंकि ये जो रिकवरी एजेंट है ना, जो ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन ऐप से तो कभी लोन लेना ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं, कॉन्टेस्ट को हैक करते हैं, फोटो वायरल करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो इनके साथ ही यही किया गया, लोन ऐप वालों ने क्या किया, एक नहीं इनके साथ कई सारी लोन ऐप थी, डिस्कवर लोन करके है, हैंडी लोन है, लैंड मॉल है, जो पुरानी ऐप्स हैं, और आपकी रूपी टाइगर है, और एक अभी कोई लोन करके लेजी करके कोई ऐप है। तो ये इनमें से दो तीन ऐप ने ये काम किया कि मतलब जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया, गलती बस क्या थी, वो अपने डॉक्यूमेंट पे ले सकते थे, पर उन्होंने इसलिए नहीं लिया कि ऑलरेडी उनके कुछ लोन चल रहे थे, लेकिन अब क्या उन्होंने अपने सोचा वाइफ के यहाँ पर लोन ले लूँगा और टाइम से भर दूँगा, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वाइफ के फ़ोन से लोन ले रहे हैं, इस तरह की हरकतें होंगी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर मैंने अपनी वाइफ के नाम से लोन लिया, वो मेरा जो है उनकी फ़ोटो का इस तरह से वायरल कर रहे हैं, एडिटिंग करके यहाँ फ़ोटो चिपका दिया, यहाँ फ़ोटो चिपका दिया है,
तो इस केसेस में भैया अब आपको बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको कभी भी लोन नहीं लेना है, अगर लेना है तो अपने ही रिस्क पे लो, अपनी वाइफ के नाम पे अगर ले रहे हो तो। वरना मैं तो ये कहूँगा अपने नाम पे लो, आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप बर्दाश्त तो कर सकते हो। तो एक समाज में जो प्रतिष्ठा है, जो आपका एक इज्जत बनी हुई है, अगर वो गिर भी जाती है तो दोबारा उठा लोगे। लेकिन अगर कोई महिला है, कोई लड़की है, तो उसके साथ ऐसा नहीं है। अगर वो एक बार गिर गई तो भाई आप उसको नहीं उठा सकते हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह का एक केस और आया। उसके साथ क्या था यहाँ पे जो है डिस्कवरी लोन का, यहाँ पे क्या था, एक लड़की थी जो कि स्टूडेंट थी 18-19 साल की, जो कि अपना पढ़ाई वगैरह कर रही थी। उसके साथ भी ये केस था, क्या हुआ कि इन्होंने ज़बरदस्ती लोन डाल दिया, ठीक है। अब इन्होंने लोन पे कर दिया कि जैसे जैसे स्टूडेंट ने लोन पे करा, अब क्या हो रहा है कि अब उसके डॉक्यूमेंट जो पे जो फोटो लगा रहता है, आधार कार्ड पैन कार्ड, उस पर लोन चोर वगैरह लिख के कि ये रात का 100 रुपया लेती है या 200 रुपया लेती है, ना जाने क्या क्या इस तरह की बदतमीज़ी वाली बातें लिखी, और ना जाने कैसे करके उनके फैमिली वालों को पता लग गया और वो कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रही थी, उनको घर बुला लिया गया। उनको ये लगा कि भैया इनका किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है, कोई बॉयफ्रेंड वाला चक्कर है, ये है वो है, और उनको स्थिति ये ऐसी ख़राब हो गई कि उनकी शादी की बात चल रही है, उनसे फ़ोन छीन लिया गया। तो क्या हुआ कि जैसे तैसे उन्होंने हमको कमेंट किया, हमने उनका नंबर पाया, हमने उनसे बात की, जैसे ही बात की तो हमने उनके माँ बाप से बात की, तब जाके कहीं उनके दिमाग में बात घुसी है कि हाँ यार ये चीज़ें हैं। मैं पूरी तरह से नहीं समझा पाया हूँ, मुझे पता है होता है कि मेरा समझाना बेकार हो, व्यर्थ हो। फ़ोन पे तो हाँ हाँ कर दी, हाँ सर ओके ओके बढ़िया बढ़िया कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है उन लोगों से, मुझे दोबारा बात करनी पड़ेगी। अब होता है कि फ़ोन ना लगे, अगर दोबारा फ़ोन लग गया मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये चीज़ें उनके साथ बहुत हो रही हैं। आप कभी भी किसी भी लेडीज़ के नाम पे, लड़की के नाम पे लोन ना लेकर, अगर आपने किया तो आपको भुगतना पड़ सकता है, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये लोग उस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम किसी लड़की के नाम पे मिसयूज़ करेंगे तो सामने वाला जो भाई होगा, पति होगा, जो भी होगा उसका, ठीक है, जैसे कहते हैं हमारा मर्द, उनका जो मर्द होगा, ठीक है ना, वो खिसिया बैठेगा और जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर बैठेगा, ठीक है ना। तो आपको खिसियाट नहीं करनी, यानी गुस्सा नहीं करना है। अगर आपने लोन ले लिया अपनी वाइफ के नाम पे तो बिल्कुल शांत तरीके से रहना है, उनको बर्दाश्त करना है, क्योंकि आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये आपका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। आपको सिर्फ इनसे बचना है और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, साइलेंट रहना है, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं रिश्तेदार दोस्त, सबको एक बात समझानी नहीं, मेरा फ़ोन हैक हो गया है, और आप सारे हमें कंप्लेंट कराएं, उसकी कॉपी दिखा दीजिए। और ज़्यादा आवश्यकता पड़े, अगर कोई भी बात नहीं समझ रहा है, तो आप मेरे साथ एक लाइव इंटरव्यू कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को शेयर करूंगा और यूट्यूब चैनल पर डालूंगा, उसका लिंक भी आप उनको शेयर कर सकते हो। ये वीडियो देख लीजिए, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम आपकी हेल्प के लिए हर तरह से बैठे हैं, फिर भी आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मैं देखता हूँ कि मैं जब लाइव इंटरव्यू के लिए बोलता हूँ तो पीछे हट जाते हो, वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको अपना वीडियो बनवाना पड़ेगा, तभी लोग जानेंगे, तभी आपकी प्रॉब्लम सामने आएगी, तभी आपका यहाँ पर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो यहाँ पे आज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कोई भी लोन ऐप हो, कुछ भी हो, किसी भी लड़की के नाम पे आपको लोन नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज़ करते हैं और आप कुछ नहीं कर पाओगे उनका। बस यही है कि आपको क्या करना है, कंप्लेंट करनी है, अपने लोगों को समझाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और किसी के दिमाग में एक बात घुस गई कि हाँ यार ये लड़की गलत है, तो आप भैया कुछ भी कर लियो, आप दिमाग से निकाल नहीं पाओगे। क्योंकि जब भी कोई काम होता है ना, तो लड़के को तो गलत समझा नहीं आता है, लड़की को ही गलत समझते हैं। अरे लड़की ही गलत होगी, लड़की लड़का भगा के ले जाए तो लड़की को ही गलत मानेंगे। तो यहाँ पे लड़कियों को बहुत जल्दी गलत समझते हैं, तो ऐसी चीज़ों को ध्यान रखें, चाहे आप पत्नी के रूप में, चाहे जो बहन के रूप में, भाभी के रूप में, चाचे के रूप में, मौसा मौसी, गर्लफ्रेंड, किसी के रूप में आप लड़की हैं, मैं तो जानता हूँ, आपको लोन नहीं लेना है। और आप चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो, भैया भैया हो, कोई भी हों, समझ लो इस बात को, क्योंकि बहुत बुरा हाल है इस समय। आप किसी भी लड़की के नाम पे लोन ना लें, बस आपको यही मैसेज देना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, जो इन्फॉर्मेशन दी है मैंने वीडियो में आपको समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो लाइक कर देना और कमेंट करके जो बताना ऐसी कौन सी लोन ऐप है जो आपको इससे परेशान कर रही है। मैंने सुना है कि डिस्कवर ज़्यादा ही कर रही है, अगर डिस्कवर लोन आपको परेशान कर रही है मुझे कमेंट कर दो, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे डिस्कवर लोन के नाम से मैं इस पे वीडियो उतना तेज़ी से बनाऊंगा, ठीक है। और आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है तो मेरे साथ लाइव इंटरव्यू दो, और मैं पे चैनल पे आने का मौका दे रहा हूँ, और आपके साथ जो भी हुआ है उसको प्रॉब्लम को शेयर करो, ताकि हम आपके मुद्दे को उठा सकें, आपकी प्रॉब्लम जो है लोगों को बता सकें और आपकी पूरी हेल्प कर सकें। और कोई भी अगर दिक्कत है किसी भी लोन ऐप से, तो साइबर क्राइम में कंप्लेंट जरूर कराओ, ये बहुत जरूरी है, मैं हर बार बोलता हूँ, आज ही बोल रहा हूँ, साइबर क्राइम में जरूर कंप्लेंट कराओ, उसकी कॉपी अपने पास रखो, कहीं भी जरूरत पड़े तो वो कॉपी दिखा दो, उसकी साइबर क्राइम में कंप्लेंट जरूर कराओ, ये बहुत जरूरी है।
और मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे बात बहुत करना जरूरी है आपके लिए, अगर आपको लगता है मैं मुझसे बात करके ही संतुष्टि मिलेगी, तो ये मुझसे बात करने का तरीका, इस तरह से आप मुझसे कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करूँगा, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, और साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल बजाते रहो पुंगी को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।